मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शनिवार को इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने बावड़ी हादसे में पीड़ित से मुलाकात की, जहां पीड़ितों ने उन्हें अपनी आपबीती बताई। पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ ने रेस्क्यू ऑपरेशन की गति पर सवाल उठाए और कहा कि इंदौर को स्मार्ट सिटी कहते हैं लेकिन कोई प्रबंध नहीं है, ये शर्म की बात है। रामनवमी पर इंदौर के बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर पर हवन पूजन के दौरान बावड़ी की छत धस गई। इस दर्दनाक हादसे में महिला, पुरुष और बच्चों सहित 36 लोग असमय काल के गाल में समा गए। घटना के तीसरे दिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने पटेल नगर में हादसे से पीड़ित लोगों से मुलाकात की। इस दौरान लोगों ने हादसे का दर्द बयां किया तो वहीं कमलनाथ सांत्वना देते हुए कहा कि दुख की घड़ी में प्रदेश कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री एपल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों का हालचाल जाना। उनको ये अंदाज न लगा कि पानी कितना है, ऊपर से वो कह रहे हैं। फिर वही तकलीफ रही तो फिर हमने उसको उस समय बहुत ज़्यादा करा तो फिर नगर निगम 1983 या 84 में जाकर वो बंद कर दिया था उसके। तो अब उसके बाद जो होना था ये हुआ। उसके बाद क्या सरकारी रिकॉर्ड में अहिल्या बाई के जमाने की बात जी सफाई का जब नंबर आता है तो नगर निगम में कलेक्टर से आया तो भैया बावड़ी खोलो बावड़ी खोलो। तो बावड़ी खोलने के लिए जो कर रही है नया मंदिर बनाने का बना रहा था, बावड़ी जब खोलना थी अब होना था मंदिर कंप्लीट हो उसके पहले ही। ये तो अवैध कंस्ट्रक्शन ने काम रुकवा दिया। अवैध कंस्ट्रक्शन मंदिर में कौन सा आवेदन कौन सा थे 1993 से करीबन नगर निगम जो है वो देती रही पूरी 1993 के आसपास। क्या क्या ये नोटिस जो किसको दिया? हाँ नोटिस दिया नहीं किसको दिया नगर निगम में क्या? नहीं है हम पटेल नगर के सभी लोग ही मंदिर से जुड़े हुए हैं और हमारे 11 परिवार ने 11 लोगों को दिया है ना। नगर निगम के तरफ से कोई पक्ष न रखे तो बहुत ही अच्छा है। वो तो सब कह रहे थे सामने कि नोटिस गया था अगर बागड़े जी थोड़ा सा पीछे हो ना और उसको दबा दिया। ये अभी वो लोग कह रहे थे वो तो जो होगा होगा सरकारी काम में तो हमको क्या मालूम है। तो जो हमको जो नजर में आता है सामने जो चर्चा वो लोग कह रहे थे जो भी होगा वो भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इंदौर को स्मार्ट सिटी कहते हैं। इस हादसे ने हकीकत उजागर कर दी है। हमारी सरकार आने के बाद हर जिले में रेस्क्यू रैपिड एक्शन फोर्स बनाई जाएगी जो किसी भी हादसे पर 15 मिनट में मौके पर पहुंच जाएगी। अवैध निर्माण की नोटिस दबा दिए गए जवाब से हम तो ये मांग करते हैं कि 7 दिन में अभी जो लोगों ने मांग रखी है सामने इस सबको डिमोलिश किया जाए तोड़ा जाए। और हम 7 दिन के अंदर नहीं किया हम कोर्ट जाएंगे PIL में कि अपराधियों को दंडित किया जाए और इसको तोड़ा जाए। ये आज अवैध निर्माण का परिणाम है। लोगों ने सर क्या क्या परिजनों से बात हुई आपकी? मेरी परिजनों से बात गई उन्होंने कहा कि किस तरह वो जीवित निकले उन्होंने अपनी बातें बताई। और हमारी सरकार आएगी
हम रैपिड रेस्क्यू फोर्स बनाएंगे। हर जिले में, हर अपने बड़े नगरों में रैपिड रेस्क्यू फोर्स होनी चाहिए जो 15 मिनट के अंदर पहुंच जाए, या हमारी फौज आर्मी 12 घंटे बाद पहुंची, कोई प्रबंध नहीं। और इसे हम स्मार्ट सिटी कहते हैं, शर्म की बात है। प्रधानमंत्री भोपाल आ रहे हैं, वो बताएंगे कि उसके आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सर मुआवजा से संतुष्ट हैं? देखिए, ये शिवराज सिंह जी सोचते हैं, अभी ये सब बात आप सबके सामने कह रहे थे कि शिवराज जी ने हमसे बात तक नहीं करी, हमारी बात नहीं सुनी। शिवराज जी सोचते हैं कि केवल इवेंट आपके मीडिया के सामने आ जाए, दो लाख बोल दे और मामला खत्म, और मुआवजा दे दो, मुआवजा से सब कुछ साफ। इस मामले में बात की थी आपने? मेरी बात नहीं हुई शिवराज सिंह का। ये आम जनता गवाह है, मेरे को कहने की बात नहीं है, जो जनता ने मुझे कहा है मैं वो बात। फिलहाल दर्दनाक हादसे के बाद पुलिस ने मंदिर ट्रस्ट और सचिव पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर से नीरज बुरासी की रिपोर्ट।